किधर से काटने से आ जाओ वहां से वहां से वहां से आप स्टाइल में रहनेगा ये स्टाइल में रहनेगा स्टाइल में रहेगा तो इज्जत मिलेगा अरे स्टाइल में रहेगा ना मिलेगा धोखा तेरे पास ना गाड़ी ना बंगला ना नौकर ना चाकर फिर भी इज्जत तेरे को ही मिलेगा क्योंकि बस स्टाइल में रहनेगा स्टाइल में रहनेगा अरे स्टाइल में रहनेगा स्टाइल में रहनेगा ओ ये कैसा गाना था सर क्या बात है सर क्या बात है सर या गाना अच्छा लगा यार नहीं जबरदस्त इधर इधर रिबन अरे रिबन का टेक्निक ही नया आया है मार्केट में आई 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 मैं कभी इससे आपसे कटिंग होगी ओ हेलो कब करने का सर दो मिनट सर कब काटू हाँ सर काटे सर हाँ अरे को चलो 1 2 3 ये कचक ये अरे मुबारक हो सर मुबारक हो आपके नए खाना खजाने को इज्जत मिले और बहुत सारी उन्नति करे प्रगति करे उपेक्षा करे पूजा करे अर्चना करे राधा करे सरस्वती करे सब मिले आपको जिंदगी में बस हमको फ्री खाना देते रहे आप किस थोड़ी हुई किस थोड़ी ओके 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 100 रुपए का फ्री कॉकटेल है अच्छा अंदर जाना है किधर से सर लॉक है ये अरे बाहर जाके लगता है कि कोई नॉर्मल बस है लेकिन अंदर तो इन्होंने एकदम 5-star आलीशान होटल रूम बना के रखी है मो पासाजी 5-star होटल लागलई है हां वही तो एकदम बढ़िया होटल है और एकदम एकदम इधर की चीड़ कूलिंग भी बहुत बढ़िया है हां अच्छा कहां चेंज है एकदम ए चेंज है राकी ही सर जी पासाजी स्वागत है आपका खाना खजाने में अरे शुक्रिया शुक्रिया सर शुक्रिया बहुत बढ़िया सर वैसे आप ये काम करने लग गए जॉनी डेप भी आए हैं नमस्कार जॉनी डेप जी नमस्कार नमस्कार ऐशा गावत कितने हस्ती आए अमित जी आए जॉनी जी आए बाप रे कौन आया देखो महान व्यक्ति मत आया को भी देना चाहिए अरे जरा साइड में हटो अरे थोड़ा हटो रे बाबा अरे सरदार जी सरदार असरदार होता है कोई भी आयरा गैरा नत्थू गैरा ऐसा साइड करने को बोले तो होता नहीं है गुड़ बोले उनका नाम है आप को नाम नहीं पता आप अमौसा पूर्णिमा अरे लेकिन आप तो सरदार जी लग रहे थे आप गोड़ बोले कैसे हो गए हाँ उनका नाम गोड़ बोले पहले मिले ना दांडिया के दिवसी विसर्जन के दिवसी मिले ना हाँ बट मतलब पान दिया ना आप विसरे गया अरे बट मराठा जी सरदार कैसे हो सकते हैं आप सर क्या हो गया शहर के वो दुकानदार है ना अरे कोई तो है ना मुफसा जी को एक फोन दे दो ना मैं फोन करके थक गया ना उनके पास फोन है अरे मेरे पास अरे मैं उस दिन पानी में उतरा तो मेरा फोन डैमेज हो गया गनका शेर में अभी चीफ गेस्ट भी यही है मतलब ये इधर अभी चीफ गेस्ट करके आए ना उनके पास फोन है ना कुछ है मैं फोन करके थक गया हूँ बस इनको फोन दो सब लोग हेलो सब लोग मुफासा जी को फोन गिफ्ट करो आप भी क्या अरे अरे नहीं 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 ले लो ले अरे वो 10 के 10 फोन डैमेज हो जाएंगे मैं अजीबोगरीब इंसान हूँ मिल गए तो बोलते बिकू मात्रेचा भाऊ आहे विक्रांत पाटील
ले आले भाल दाने दो सगळे झालो का बाहेर आपण चल गावात सगळे बाहेर काय आहे पिकाजी का कार्यक्रम करो ना चलो बात समझो जज्बात इसके जज्बात समझते समझते हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी वही तो बोला मुझे सच सच बता दाढ़ी वाले तू घातक है ना सच बता तू घातक है ना नहीं 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 सर देख आवाज बदल के बात करने की कोशिश मत कर मैं बूट कैंप में आके राड़ा करेगा सच बता तू घातक है ना घातक है कौन शंतनु किधर है बता पक्का अरे शंतनु को तो दूर से यहाँ से तू मार्स से भी देख सकता है उनका पेट जीत जाता है अरे लेकिन सर सच में मैं नहीं पहचान चंबर डक्के रॉकी रॉकी कृष्णप्पा घातक जैसे दिख रहे रॉकी कृष्णप्पा भैरिया भैरिया आपको पता है रॉकी है ना रॉकी रॉकी जब जाता है ना तो गर्दी बाजू हो जाती है और लोग सलाम ठोकते हैं और आप यहाँ पे खाना खाने आए हो क्या गुंडा बनेगा रे तू नॉर्मल लाइफ में अरे पार्सल मंगाने का घर निकलने का नहीं घर से यहाँ सर रॉकी जब था बंबई में मतलब हम उधर पाव का धंधा करते थे पाव बेचते थे इधर तो खाली हम होटल में काम ही कर रहे हैं अरे लेकिन रॉकी बचपन में पाव बेचता था आपकी परिस्थिति अभी नहीं सुधरी है मेरा अलग है सर अब आए ना लाइन पे देखो सर अच्छा और ये दाढ़ी कहाँ से ली है वो दाढ़ी वही से लिया हमारा ही है उधर से काटा है तो अगर आप वो रॉकिंग नहीं हो तो फिर आप सेम टू सेम रॉकिंग क्यों दिख रहे हो कौन रॉकी की बात कर रहे हो सर रॉकी मेरे चचा का लड़का है रॉकी नंद कुमार धर सोड़े और रॉकी के आने से हवाएं रुकती थी और दुनिया कांपती थी लेकिन ये रॉकी मुझे डाउट आ रहा है कि किसी यूएसए की जेरोक्स मशीन से निकली हुई कॉपी तो नहीं है कुछ भी मुफासा जी ये ओनर में नहीं सर है मैक्स पेन जो ओनर है वो हमारे भाई है सर इसलिए भाई के बिजनेस में थोड़ा हाथ बटोर रहे हम हाथ बटोर नहीं रहते हाथ बटाना रहता है सर बटोरना नहीं रहता उनकी जीभ घसरी होगी नहीं नहीं रॉकी जी मैं बस मजाक कर रहा था लेकिन आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही है बहुत खतरनाक थैंक यू सर अगर आप मचाओगे आप यूनिक पर्सनैलिटी लेके आए हो आप मचाओगे नहीं।